हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सरफराज नवाज कॉमर्स की इस ई लर्निंग क्लास में आपका वेलकम करता हूं। आज की हमारे इस क्लास में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। वैसे तो ट्रेडिंग अकाउंट फाइनल अकाउंट्स में आता है, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और बैलेंस शीट होता है। तो आज की इस क्लास में हम सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट को डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट का क्या रोल है, उसका क्या पोजीशन है और ये बिजनेस के लिए कितना ज़रूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ट्रेडिंग अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स का जो प्रिपरेशन होता है उसमें सबसे पहला स्टेज, फर्स्ट स्टेज ऑफ फाइनल अकाउंट्स इज ट्रेडिंग अकाउंट होता है। और जब ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है तो उसका एक ऑब्जेक्ट होता है, एक मेन एम होता है कि ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर किया जा रहा है तो इससे क्या मिलेगा, क्या पता चलेगा। ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करने से हमको इस बात का पता चलता है कि बिजनेस को ग्रॉस प्रॉफिट आया है या फिर ग्रॉस लॉस आया है। ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस दोनों में से कोई एक चीज ट्रेडिंग अकाउंट में फाइंड आउट की जाएगी। तो ट्रेडिंग अकाउंट को इसीलिए तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है ताकि ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस को फाइंड आउट किया जा सके। अगर हम इसको दूसरे अल्फाज में बात करेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट डिफरेंसेस को फाइंड आउट किया जाता है। कौन से डिफरेंसेस? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड और सेल्स प्रोसीड्स, यानी कि किसी एक चीज़ को तैयार करने में, मैन्युफैक्चर करने में कितना खर्च आया है, कितने में वो चीज़ बनकर तैयार हुई है और कितने में उसको सेल किया गया है। तो इसी डिफरेंस को मालूम करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। परचेजेस, परचेस रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न और इसी तरह के कई सारे लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस को लेकर ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। एक्चुअली ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है जिसमें परचेज ऑफ गुड्स को खरीदने के लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक को बताया जाता है और क्लोजिंग स्टॉक को भी बताया जाता है। और ट्रेडिंग अकाउंट में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में डिफरेंसेस होंगे, उन डिफरेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। और बिजनेस के जो ग्रॉस अर्निंग्स होते हैं उसका पता ट्रेडिंग अकाउंट में चलता है। और जब ट्रेडिंग अकाउंट में सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, तब ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। और बिजनेस में अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो गया सेलिंग प्राइस से, तब ग्रॉस लॉस आएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या पता चलता है? ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस का पता चलता है। ट्रेडिंग अकाउंट के जो डेबिट साइड पर जो हम जिसको रिकॉर्ड करते हैं उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट के जो क्रेडिट साइड पर जिन चीज़ों को हम रिकॉर्ड करते हैं उसको सेलिंग प्राइस बोलेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड का कॉस्ट प्राइस का टोटल अगर ज़्यादा है क्रेडिट साइड के सेलिंग प्राइस के टोटल से, तब ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस आएगा। और जब ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, यानी कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है डेबिट साइड के कॉस्ट प्राइस से, तब ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो क्लियर हुआ ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है और ग्रॉस लॉस कैसे आता है? इन दोनों में से कोई एक चीज़ ही आएगी, या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या फिर ग्रॉस लॉस आएगा, दोनों में से सिर्फ एक ही आएगा। और ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग पीरियड में जो एक्सपेंसेस हुए हैं उन्हीं को, सिर्फ उन्हीं को ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है? सिंपल सी बात है, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस को फाइंड आउट करने के लिए
ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है और ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आता है या फिर ग्रॉस लॉस आता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। कहां पर ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में फिनिश्ड गुड्स के ओपनिंग स्टॉक को और क्लोजिंग स्टॉक को बताया जाता है और जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे उनको डेबिट साइड पर लिखा जाएगा और बिजनेस के जितने भी रेवेन्यू रिसीट्स रहेंगे उनको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो क्लियर हुआ ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? तो आज की इस क्लास में आपने समझा कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और इसको क्यों प्रिपेयर किया जाता है और कैसे प्रिपेयर किया जाता है और इसमें क्या फाइंड आउट होता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये क्लास समझ में आई होगी। तो हमारे इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपग्रेड होते रहना। थैंक यू।